हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा ये होम डेकोर पीस बनाया है। वेस्ट पड़ी हुई थर्माकोल प्लेट से बनाया है इसे। आज मैंने लोटस का रूप दिया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, यानी कि बच्चों का खेल है इसे बनाना, बच्चे भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज हम इस थर्माकोल की प्लेट से बहुत ही सुंदर सा डेकोर आइटम बनाएंगे, डेकोर पीस बनाएंगे। तो इसके लिए सिर्फ हमें पेंसिल की ज़रूरत है और कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 प्लेट ली हैं इस तरह की। तो अब मैंने यहाँ पर एक पेंसिल ले ली है। अब पेंसिल से हम इस पर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरह ये देखिए, इस तरह से मैंने इस पर ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर पत्तियों का ड्रॉ कर लिया है। इसी तरीके से सभी प्लेट पे हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम कोई एक साइड ले लेंगे, वहां से इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसे अलग कर लेंगे, पत्तियों को अलग नहीं करना है। प्लेट का जो तला है उसे हमें अलग करना है और इसकी जो किनारी है उसे अलग करना है। बहुत आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ ध्यान से करें, क्योंकि हमने इसे पेंसिल से ड्रॉ किया है, उसकी वजह से ये कमज़ोर हो गई है थोड़ी सी प्लेट। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसे अलग कर लिया है। अब हमने जो कटिंग की है उसकी कटिंग कर लेंगे, यानी कि जो पेंसिल से ड्रॉ किया है उसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ कहीं भी हम इसे रखेंगे ऐसे लगेगा कि हमने कोई लोटस बनाकर रख दिया है व्हाइट कलर का। आप इस पर रेड कलर भी कर सकते हैं, जितनी भी आप प्लेट लें उन पे आप कलर कर लें पहले, फिर आप इस पे ड्रॉ कर लें इस तरीके से। तो इस ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है इस तरीके से कटा हुआ, ऐसे लग रहा है ये लोटस की पत्तियां हैं। तो अब हम इसी तरीके से सारी प्लेटों को कट कर लेंगे ड्रॉ करते हुए। मैंने यहाँ पर सारी ये प्लेटों की कटिंग कर ली है। तो ये देखिए, तो मैंने एक प्लेट को इससे अलग नहीं किया है इसके तले से, क्योंकि हम इसी में इन प्लेटों को लगाकर तैयार करेंगे। तो इस तरीके से लगाना है। ये देखिए, पहले एक लगा दिया, फिर उसके ऊपर एक और, फिर एक और। तो अब हम इसमें से 2 को कट कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा इसमें इस तरीके से आएगा, इस तरह से फिक्स हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर के लिए और कट करेंगे तो इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से हमें इसे पूरा कवर करना है।
तो ये देखिए, ये हमारा बहुत ही सुंदर सा कमल बनकर तैयार हो गया है। कितना ही प्यारा लग रहा है इस तरह से बना हुआ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप इसमें थोड़े से पल्स लगाकर इसे और भी ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये ग्लेटर लिया है, स्पार्कल ग्लेटर, तो इसे मैं ले लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से लगाने से ये कुछ घंटों बाद ये ड्राई हो जाता है बिल्कुल। तो ये देखिए, इसे कितना ही प्यारा लग रहा है। इसी तरीके से जितनी भी पत्ती हैं उन पर हम ये स्पार्कल लगाकर तैयार कर देंगे। आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं, बट इस तरह से इसका जो लुक है वो काफी अमेजिंग लगेगा। तो ये देखिए, कितना ही प्यारा लग रहा है इस तरह से बना हुआ। इसे आप किसी भी वॉल पर आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं, या फिर आप इसे कहीं भी टेबल पर इस तरह से डेकोर पीस के तरह रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है। किसी भी बाउल में थोड़ा सा पानी भरकर उसके ऊपर इसे रख सकते हैं तो ये बिल्कुल फ्लोर करेगा। बहुत ही प्यारा लग रहा है इस तरीके से बना हुआ। तो आपने देखा हुआ इसे बनाना कितना आसान है, बहुत आसान तरीके से आज हमने वेस्ट पड़ी हुई थर्माकोल प्लेट से इसे बनाकर तैयार कर लिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।